हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में वॉलीज फार्मूला को स्टडी करने वाले हैं। पहला फार्मूला आपके पास है, मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आपको कुछ इस फॉर्म पे दे रखा है तो आपका फार्मूला क्या होगा, एम माइनस वन एम माइनस थ्री इंटू टू और वन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री अप टू टू और वन। ठीक है, अपॉन अपॉन में आएगा आपका एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस टू इंटू टू और वन। ठीक है, टू और वन कहने का मतलब है कि जो आपका लास्ट एंड करेगा या तो वो टू पे करेगा या वन पे करेगा। ठीक है, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपकी m की वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपकी m की वैल्यू 5 है तो उसमें आएगा आपका 5 माइनस वन फोर, 5 माइनस थ्री टू, तब आपका लास्ट आएगा 2। अगर आपकी m की वैल्यू होती है 6 तब आएगा आपका 6 माइनस वन फाइव, 6 माइनस थ्री थ्री, 6 माइनस फाइव वन, तब आपका एंड करेगा 1 पर। ठीक है, सिमिलर केस आपका इस पर है और सिमिलर केस आपका इस पर होगा। ठीक है, तो अगर आपका m और n दोनों आपके इवन होते हैं, ठीक है, अगर आपके दोनों पावर्स इवन है तब आपका जो ये फॉर्मूले हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई टू से। ठीक है, ये आपका तब का केस है जब m n n बोथ आर इवन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू साइन फोर एक्स और कॉस फाइव एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें वॉलीज फॉर्मूला हम लगाएंगे। फोर आपके पास है m यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस थ्री इंटू वन। ठीक है, या हमारे पास n है आपका फाइव, तो आपका आएगा फाइव माइनस वन फोर और फाइव माइनस थ्री टू। ठीक है, डिनोमीटर में आएगा आपका m प्लस एन, तो आएगा आपका फोर प्लस फाइव नाइन इंटू एम प्लस एन माइनस टू, तो नाइन माइनस टू आएगा सेवन। फिर नेक्स्ट आएगा आपका एम प्लस एन माइनस फोर, तो आएगा आपका नाइन माइनस फोर फाइव। फिर आएगा आपका एम प्लस एन माइनस सिक्स, तब आएगा आपका नाइन माइनस सिक्स थ्री। फिर आएगा आपका एम प्लस एन माइनस एट, फिर आएगा आपका वन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा यहाँ एट अपॉन थ्री हंड्रेड फिफ्टीन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू साइन फोर एक्स कॉस सिक्स एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसमें हमारे दोनों इवन है, तो जब हमारा इवन होगा तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाई टू से। ठीक है, तो देखो पहला आएगा आपका एम माइनस वन एम माइनस थ्री, तो क्या आएगा आपका फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस थ्री वन। ठीक है, इसमें देखो सिक्स माइनस वन आपका आएगा फाइव, सिक्स माइनस थ्री आएगा आपका टू और सिक्स माइनस फाइव आएगा आपका वन। ठीक है, अपॉन क्या आएगा एम प्लस एन टेन इंटू एम प्लस एन माइनस टू, तो ये आएगा आपका एट। फिर एम प्लस एन माइनस फोर, यह आएगा आपका सिक्स। फिर एम प्लस एन माइनस एट, फिर आएगा आपका फोर और लास्ट में आएगा आपका टू। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, आपको मल्टीप्लाई भी कराना है पाई बाई टू से, इवन है दोनों पावर्स इवन होगी तो आप पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कराओगे, तो इसको सॉल्व करके आएगा आपका थ्री पाई बाई फाइव हंड्रेड ट्वेल्व। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास जो वॉलीज का है, अगर आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू कॉस की पावर एन एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे उस पर आप क्या करोगे, जब आपका एन ऑड है, व्हेन एन इज ऑड, जो आपका जो पावर है वो ऑड होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू इंटू एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर
अब टू सो ऑन जाएगा, लास्ट में आएगा आपका टू अपॉन थ्री, ठीक है, ये आपका लास्ट में एंड करेगा टू अपॉन थ्री पर, जब आपका एन ऑड होगा। जब एन आपका इवन होगा, व्हेन एन इज इवन, तब आपका क्या आएगा, एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू इंटू एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर अप टू थ्री अपॉन फोर इंटू वन अपॉन टू, और इवन पे आप पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हमारे, मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर सिक्स एक्स और डी एक्स। ठीक है, इवन पावर दे रखी है आपको, तो हम इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो इसमें क्या आएगा आपका, सिक्स माइनस वन फाइव अपॉन सिक्स इंटू सिक्स माइनस थ्री, थ्री आएगा सिक्स माइनस टू फोर। ठीक है, इसमें देखो सिक्स माइनस फाइव वन अपॉन सिक्स माइनस फोर टू। ठीक है, तो इतना आपका बनेगा, इवन है तो लास्ट में क्या आएगा आपका पाई बाई टू। ठीक है, इवन पे आप पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कराओगे, तो सॉल्व करोगे तो आएगा आपका फाइव पाई अपॉन 32। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू कॉस सेवन एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ऑड है आपकी पावर, तो आप ऑड वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें आपका पाई बाई टू से मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। तो इसमें देखो क्या आएगा आपका, एन माइनस वन दिया है तो सेवन माइनस वन सिक्स अपॉन एन, तो सेवन आएगा इंटू सेवन माइनस थ्री फोर अपॉन सेवन माइनस टू फाइव इंटू सेवन माइनस फाइव कितना आएगा टू अपॉन सेवन माइनस फोर थ्री। तो यहाँ तक आपका बनेगा लास्ट टू अपॉन थ्री तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 16 अपॉन 35। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई थीटा साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। इसमें हम वॉलिस फॉर्मूला लगाने की ट्राई करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं आपकी, जीरो से पाई आई इक्वल्स टू जीरो से पाई पाई माइनस थीटा साइन क्यूब पाई माइनस थीटा और डी थीटा। ठीक है, हमने जीरो से ए एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा रखी है। तो इसमें क्या आएगा आपका, साइन पाई माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका जीरो से पाई पाई माइनस थीटा साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे आपका आई, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं आपकी सेकेंड इक्वेशन। जब हम फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो हमें मिलेगा टू आई इक्वल्स टू जीरो से पाई थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा प्लस जीरो से पाई पाई माइनस थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा आपका, जीरो से पाई थीटा साइन क्यूब थीटा डी थीटा प्लस जीरो से पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और साथ में पाई है आपका, माइनस टाइम्स जीरो से पाई थीटा साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, टू आई इक्वल्स टू पाई टाइम्स जीरो से पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो एक और प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे जिसमें आपका टू सामने से सा आएगा टू पाई, और यहाँ आपका बन जाएगा पाई बाई टू। ठीक है, ये आपके वाली प्रॉपर्टी जिसमें आपका जीरो से टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता था आपका, टू हम आगे से लेते थे और ये आपका आता है यहाँ से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे आपकी, तो देखो यहाँ क्या आएगा आपका, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका आई इक्वल्स टू पाई टाइम्स जीरो से पाई बाई टू साइन क्यू थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब हम इसमें हम लगाएंगे आपके वॉलिस फार्मूला, वैसे आप इसको साइन थ्री थीटा इक्वल्स टू थ्री साइन थीटा माइनस थ्री साइन क्यूब थीटा से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपका लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम वॉलिस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो आपका देखो जो पावर है इसकी, वो आपकी ऑड है, थ्री है आपकी पावर, तो हम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे आपका, जब आपका एन ऑड होगा तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस टू
इंटू एन माइनस फाइव इंटू एन माइनस फोर अप टू टू अपॉन थ्री, ये आपका फॉर्मूला है जब आपका एन ऑड होगा, इवन होगा तो आप पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। तो यूज़ करेंगे फॉर्मूला, क्या आएगा आपका पाई इंटू एन माइनस वन है तो थ्री माइनस वन टू अपॉन थ्री, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई इक्वल्स टू टू पाई बाई थ्री, ठीक है। तो इसमें भी हम हमारा वॉलिस फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये था आपका वॉलिस फॉर्मूला।